हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जनरल साइंस केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 400 क्वेश्चंस कल तक ख़त्म कर चुके थे, आज से हमें बात करनी थी 401वां क्वेश्चंस। याद रखिए, जितने भी पिछले लेक्चर नहीं देखें, जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए। एक गैसीय वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है। गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग होता है, तो याद रखना 200 g। एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाता है। गैस द्वारा किया गया कार्य 200 लगभग है। निम्नांकित में से दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरण पूर्ण रूप से पूर्ण सूर से हानिकारक परावैगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 3, लाफिंग गैस है, याद रखना N2O, इसका उपयोग करते हैं निषेचक निश्चेतक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, याद रखना 80 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रेखीय अणु नहीं है, तो आपको बता देना है SO2, CO2 है, N2 है, C2H2 है, लेकिन SO2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फिड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है, तो याद रखना भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करके। क्वेश्चन नंबर 7, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, CO2। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घट संघटक हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तापमान को कितना कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, याद रखें -273, ठीक है, इसे परम ताप स्केल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 मिलीमीटर दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। -3 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 मिलीमीटर दाब पर इस गैस का आयतन क्या होगा, 180 घन सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 412, वायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, तो याद रखना नियत ताप पर, ठीक है। बात करते हैं 13 क्वेश्चन, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों को समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, यह नियम कहलाता है, तो याद रखना अवोगाड्रो नियम, ठीक है। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, यह नियम अवोगाड्रो का नियम कहलाता है। चार्ल्स का नियम, नियत ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का समान पाती होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है, तो याद रखना सीसा व कार्बन कण। क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 16, दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में से एक ही आकार के छेद किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा, तो याद रखना हाइड्रोजन से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, एक अवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो याद रखना 6.023 × 10³। क्वेश्चन नंबर 18, एक मोल बराबर होता है, तो याद रखना 6 × 10⁻⁶
गुणे 10 की पावर 23, 6 × 10 की पावर 23। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायल नियम को प्रदर्शित करता है? तो आपको बता देना है, ए सही है इसमें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 21, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? याद रखिए, 22.4 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 22, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान बढ़ता है? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर बनती है मैथेन। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखना है आपको, अक्रिय गैस है। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस है, आर्गन भरा रहता है। आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। इसकी खोज रेमजे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है? तो याद रखना, तारे की वाष्प एवं ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 26, गैस बिल्डन में सामान्यतः प्रयुक्त लौह है? तो याद रखना, ये सभी हैं उदासीन, कार्बोरक, ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो आपको बता देना है, मेथेन। क्वेश्चन नंबर 28, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखिए, 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? याद रखना, ब्रोमीन। ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस है हीलियम, नीमोन, ऑर्गन, कैप्टन, जीनोन। ठीक है। तथा रीडोन, इनमें प्रथम 5 वायुमंडल में पाए जाते हैं, तथा रीडोन रेडियो सक्रिय तत्व है। रीडोन का उपयोग रेडियो थेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो याद रखना, सिलिकॉन नहीं है, रेडोन है, आर्गन है, नियोन है। क्वेश्चन नंबर 31, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? तो आपको बता देना है, हीलियम। हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। यह हल्की गैस होने के कारण वायुयान के टायरों में भरा रहता है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम अथवा हाइड्रोजन भरकर छोड़ा जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को गहरे समुद्र में गोताखोर किंतिम श्वास के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने में पानी को सफेद बनाती है? तो याद रखना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 33 क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना। तो अमोनिया प्राकृतिक गैस, हास गैस, इसकी व्याख्या डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है। प्राकृतिक गैस CH4 मेथेन, हास गैस N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, शुष्क बर्फ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3। याद रखना, प्राकृतिक गैस है CH4, हास गैस है N2O, शुष्क बर्फ है CO2, अमोनिया है NH3। क्वेश्चन नंबर 34, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा है ठंडी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है? याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो याद रखना, हीरा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का 273.15 परम ताप पर आयतन 25 मिली लीटर मिली है। यह यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान आयतन होगा 50 मिलीलीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38,
ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो याद रखना इन फ्राइड फ्राइड कैडों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटो फिनोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से एक परमाण्विक गैस है, तो आपको बताना है हीलियम। सभी नोबल गैसें एक परमाण्विक गैसों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो याद रखना क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो याद रखना क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 43, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं? याद रखना विद्युत अवक्षेपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस है घिरती है, तो याद रखना कम आयतन। क्वेश्चन नंबर अपना है 46, सामान्य गैस समीकरण है, तो याद रखना पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। आर का मान 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, कोल गैस किसे कहते हैं? तो याद रखना H2+CH4 प्लस CO। क्वेश्चन नंबर 48, वायु की संघटक गैसें सामान्यता होती हैं, तो याद रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो याद रखना एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो याद रखना SO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 51, आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 52, लाल तप्त को भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस। क्वेश्चन नंबर 53, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखना हीलियम। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है? तो याद रखिए CO2। नाइट्रोजन चक्र में CO2 भाग नहीं होता इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, गैस टरबाइन आधारित है बैटोन चक्र पर। क्वेश्चन नंबर 56, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस गैस नहीं है? याद रखिए आयोडीन। कमरे के तापमान पर आयोडीन गैस नहीं है, यह ठोस होता है। आयोडीन और एथाइल एल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। समुद्री पौधों एवं जीवों में आयोडीन पाया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल किस्म के समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे केल्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखना सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 58, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो याद रखना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है, CaHCO3 के अलावा MgHCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण भी जल की अस्थायी कठोरता होता है। जल को उबालकर एवं जल में चूना जल मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता होती है, जो आसवन विधि द्वारा दूर की जाती है। सोडियम कार्बोनेट अस्थायी एवं स्थायी कठोरता दोनों दूर करता है। जल का शुद्धिकरण परमैंगनेट क्लोरीन या फिटकरी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 60, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो याद रखना CA, OH, बंद 2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? संगमरमर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन तत्व हैं, संगमरमर तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, भारी जल है तो याद रखना D2O, इसका अणुभार 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 63, स्टील या आयरन वस्तुओं में ऊपर जिंक की पतली परत को कहते हैं? याद रखना गैल्वेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 64, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होता है? तो याद रखना अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? तो याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 66, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O में शिफ्ट कराने पर बनती है, याद रखना इसमें मैथेन। क्वेश्चन नंबर 67, दूध उदाहरण है इमल्सन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, अम्ल वर्षा मुक्तता किस गैस के कारण होती है? SO2। क्वेश्चन नंबर 69, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, प्लास्टिक ऑफ पेरिस है CaSO4 1/2 H2O, ठीक। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर और ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन नंबर 71, एक श्वेत रासायनिक यौगिक इसको पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है, यह शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी होता है, यह पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, इक्वारिजिया किसका मिश्रण है? कोई नहीं, इक्वारिजिया में 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है, इसे अम्लराज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 73, बेकिंग खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए इसका होगा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 74, एक तत्व HCl3 H2O5 और Ca3X2 सूत्र बनाने यौगिक बनाना बनाता है लेकिन HCl5 नहीं बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा X हो सकता है? तो याद रखना N। क्वेश्चन नंबर 75, शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, तो याद रखना फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 77, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो याद रखिए MgHCO3। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सही है? तो याद रखिए pH बराबर -log कोष्ठकन H की पावर+। क्वेश्चन नंबर 79, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है, तो याद रखना सूर्य। क्वेश्चन नंबर 80, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 81, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचारक बैटरी में किया जाता है? तो आपको बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 82, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 83, सोडा वाटर क्या है? तो याद रखना एक कोलाइड, सोडा वाटर एक कोलाइड है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन, सोडा वाटर एक कोलाइड है, इसका घोल जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10^-5 cm से टीमीटर से 10^-7 cm होता है, कोलाइड कहलाता है। रक्त स्याही गोद दूध इसमें विलेय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 84, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो याद रखना उदासीन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गुण क्षारीय एवं अम्लीय दोनों है, इसलिए इसे उभयधर्मी पदार्थ कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो याद रखना Na2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, सल्फ्यूरिक अम्ल का एन हाइड्राइड है, तो याद रखिए SO2। क्वेश्चन नंबर 87, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। लोहे में जंग लगने पर इसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। 89 क्वेश्चन, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो याद रखना कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, Ca(HCO3) (1)(2), इसका सूत्र है, ये होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 90, तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं ग्लिसरॉल, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 92, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है, याद रखिए मृदु जल। क्वेश्चन नंबर 93, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? याद रखिए मैथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 94, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधता है? तो याद रखना रीडॉन। क्वेश्चन नंबर 95, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? तो याद रखना लिथियम, इसका उपयोग मोबाइल की बैटरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 96, यूरिया है? तो याद रखना नाइट्रोजन उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? तो याद रखिए BaCO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है पानी में, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यह जल में अघुलनशील होता है, हवा में यह स्वतः जल जाता है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगाने के कौन से कारण है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, CO2 के साथ रासायनिक क्रिया, तो इसमें होगा डी ऑप्शन के बाद 1 और 3, ठीक है। आयरन पर जंग ऑक्सीडेशन एवं ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 500, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं की शीशियों में सिलिका जेल एक छोटा पाउच रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। चलिए, तो ये थे हमारे 500 क्वेश्चंस, देख चुके हैं अभी तक, 501 से आगे बात करेंगे, ठीक है।